मोस्ट एक्साइटिंग जो मैंने मतलब अभी तक की ऑक्शन देखी वो यहाँ मेरे को देखने को मिली। अरे बाप रे, कंपटीशन हो गया अब तो, ईगो पे आगे लग रहा है। $250 के बीच में इस प्रॉपर्टी का झगड़ा हो रहा है। पहले बोल रहे थे 10,000 का इंक्रीमेंट होगा, अभी 500 का भी कर रहे हैं। इसने 3 बना दिए उतने सेम साइज लैंड में जिसमें इसने एक बनाया ना। ओ माय गॉड, बढ़ते जा रहा है यार ये तो सीन। ओ माय गॉड, और कोई लगाएगा क्या बोली? 6 लाख की बोली लग गई, मतलब 3 करोड़ की। हेलो भैया, क्या हाल चाल है? देखो आपने मेरे को बोला और मैं लेके आ गया आपको एक्चुअली लाइव ऑक्शन पे एक और घर की। ये है हॉपर्स क्रॉसिंग के एरिया में, उनका ऑक्शन होने वाला अभी 15 मिनट से। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना बहुत बड़े लैंड पे बनी हुई, आई थिंक ऑलमोस्ट 1,000 स्क्वायर मीटर है यार, जो कि काफी बड़ा लैंड होता है। तो चलो पहले आपको अंदर से प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ये पुराना बना हुआ यूनिट लग रहा है लेकिन लैंड बड़ा है। ओवरऑल ये एरिया एक्चुअली बहुत अच्छा है क्योंकि हॉपर्स क्रॉसिंग स्टेशन जो है लिटरली 1 मिनट की वॉक पे, यहाँ से साइड में वॉक करके जाओगे हॉपर्स क्रॉसिंग स्टेशन। क्वाइट नेबरहुड भी है ये सारा, पार्क भी था वहीं पे साइड में बच्चों का। चलो अंदर चलते। देखो घर तो है पुराना भाई, देखो लिटरली ये पुराना बना हुआ घर है, यूनिट है, लेकिन ये क्या है भाई, जिस कीमत में तुमको पुराने घर पे बहुत बड़ा लैंड मिल रहा है ना, तो भी प्राइस ऊंची रहती है। इसका लैंड मेरे ख्याल से बड़ा होगा। चलो चल के देखते हैं। ये देखो पूरा पुराना है। तो वैसे तो ये एंट्री मारी अपन ने, ये देखो कारपेट पूरा पुराना है, तो ये इसको डिमोलिश कराना पड़ेगा या प्रॉपरली इसको फ्लोर रेनोवेट कराना पड़ेगा। जैसे एंट्री मारी अपन ने, ये लेफ्ट साइड में एक बेडरूम है, कितना पुराना हो रहा है भाई। ये तो भाई पूरा रेनोवेट ही कराना पड़ेगा या डिमोलिश करके तुम्हारा इतना बड़ा जो लैंड है उसको यूज करो और नया घर बनाओ इस पे। इधर से एंट्री मारी थी अपन ने, ये पहला बेडरूम था, ये इधर दूसरा बेडरूम है लग रहा है, थोड़ा बड़ा साइज का है। तो अभी बाप रे कितना गंदा हो रहा है घर, ये घर तो यूज करने लायक बिल्कुल नहीं है। तो इधर राइट में देख लो, ये इनका लग रहा है लिविंग एरिया, फॉर्मल जो लोग वगैरह आएंगे उनके बैठने के लिए। इधर हम आगे जाते हैं, लेफ्ट साइड में एक और बेडरूम है, तो 3 बेडरूम हो गए अपने, उधर एक लिविंग एरिया हो गया। या वेरी गुड मैन, हाउ शेड बाथरूम है इधर, होल हाउस बहुत पुराना है भाई। ये इधर इनकी लॉन्ड्री है, टॉयलेट है, इधर इनका किचन है, गंदी सी स्मेल आ रही है। अच्छा तो ये लिविंग एरिया से इधर किचन में भी एंट्री है। ये एरिया अच्छा है भाई, ये घर में तो कोई रह नहीं सकता। ये पीछे अलग से क्या इनका एंटरटेनमेंट एरिया है कुछ, देख लो भाई फायरप्लेस लगी हुई है। देखो यार रेनोवेट भी करा सकते हो लेकिन खूब पैसा लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रीटी मच पूरा घर सारा ही रेनोवेट कराना पड़ेगा। फिर तुम इधर आते हो पीछे, तो आती भैया जिसने भी रखा है बहुत गंदा मेंटेन करके रखा हुआ। पीछे ये बैकयार्ड कितना बड़ा है इनका, क्रिकेट खेल लो तुम, पार्टी रख लो बड़ी, सब कुछ कर सकते हो। इधर क्या है घर के, इधर साइड से एंट्री और ये पीछे से छोटा सा गैराज भी है। बाप रे, ऐसा लग रहा है किसी हॉरर मूवी सीन का है, यहाँ पे मर्डर मुडर हुआ होंगे खूब सारे और किसी साइकोपैथ किलर ने। देखो बेंच भी बनी हुई है। कोई नहीं, बैकयार्ड है ठीक है, बैकयार्ड बहुत लंबा चौड़ा है यार। एक्चुअली यार इस तरह की प्रॉपर्टी पे क्या होता ना, जिसमें तुमने बहुत बड़ा लैंड लिया, पुरानी प्रॉपर्टी है, तुम क्या करो लैंड ले लो सस्ती कीमत में, मतलब प्रॉपर्टी का तो कुछ मिलेगा नहीं तुमको, प्रॉपर्टी को डिमोलिश करो और तुम इस पे 2 प्रॉपर्टी बना सकते हो फिर, ठीक है, काउंसिल से अप्रूवल लेके, क्योंकि इतना बड़ा लैंड है। ठीक है 2 प्रॉपर्टी बना लो, एक प्रॉपर्टी तुम बेच दो, एक अपने लिए रख लो, तुम्हारा मतलब काफी सारा जो खर्चा वो प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के थ्रू निकल जाएगा जो दूसरी तुमने बेची है उसके थ्रू। भाई लोकेशन बहुत प्यारी है, बस यहाँ का एक चीज़ ये है कि पीछे ट्रेन लाइन है क्योंकि ट्रेन स्टेशन साइड में ही है, ट्रेन लाइन की साइड में तो कभी कभी नॉइज होती होगी। ओवरऑल वहाँ पे वो वेरी भी हॉस्पिटल है भाई। देखो भाई ये वैसे तो लोकेशन बहुत प्यारी है क्योंकि फ्रीवे भी एकदम साइड में, ट्रेन स्टेशन भी एकदम साइड में, शॉपिंग कॉल्स वगैरह बुलवर्स वो भी एकदम साइड में, तो लोकेशन तो बहुत अच्छी। बट डेफिनेटली इस घर को तो डिमोलिश ही करना पड़ेगा या फुल्ली कम्प्लीटली रेनोवेट करना पड़ेगा। पुराने घरों में क्या होता है ना, स्ट्रक्चर अच्छा होता है तो तुम उसको लंबे टाइम के लिए रख सकते हो स्ट्रक्चर को, बाकी घर को वापस रेनोवेट कर दो फुल ऑन। चलो चल के देखते हैं बाहर क्या होता है। ये देखो भाई इधर से गैराज भी है, गैराज से पीछे गाड़ी चले जाती है। ओवरऑल जो स्ट्रीट देखोगे ना तो ये एरिया बहुत अच्छा। अब देखो ये साइड वाला, ओ एग्जैक्ट एग्जांपल देख लो तुम, तुम्हारी आंखों के सामने एग्जांपल है। ये प्रॉपर्टी देखो किसी ने बेची, इसने 3 बना दिए उतने सेम साइज लैंड में जिसमें इसने एक बनाया ना, 1, 2 और वो पीछे 3, वो साइड से एक्सेस दे दिया गाड़ियों का। कई लोग क्या करते हैं ऐसा लैंड लेते हैं, मान लो 1 मिलियन का मिला, ठीक है 1 मिलियन में और उन्होंने 3 यूनिट बनाए और मतलब 8-8 में बेच दिए, तो 400,000 का फायदा हो जाता है, समझ रहे हो। ऐसा भी कर लेते हैं लोग कई लोग। बाकी गली वगैरह इधर, ये स्ट्रीट तो बहुत अच्छी है, क्वाइट एकदम बढ़िया, बड़े बड़े ब्लॉक के सब लोगों के पुराने टाइम के बने हुए हैं। और स्टेशन वगैरह यहाँ पीछे ही है, हॉपर्स क्रॉसिंग है, मेलबर्न के वेस्ट में ही है, मेरे घर से ऑलमोस्ट आई थिंक 8 to 10 kilometers तो होगा ये, हाँ 10 kilometers तक है। वेरी भी हॉस्पिटल तो मेरा आना जाना हुआ ही है अभी कियान की शाह को लेके। Easy to exactly. So, what sort of house did you have that you sold in Werribee? Small house, but a big block of land. हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैंने सोचा तुमको इसका प्लान भी बता दूँ जो इन्होंने रख रखा है यहाँ पे।
थोड़ा समझ में आएगा घर कैसा है। ये देखो 875 मीटर स्क्वायर लैंड पे बना हुआ है ये, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पे देखो साइड वाले ने तीन यूनिट बना ली, एक दो तीन, ऐसा तुम इस पे भी बना सकते हो, काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। खैर अभी तो कंस्ट्रक्शन महंगा है एनीवेज। और ये इनका प्लान है, देखो यहाँ से एंट्री मारी तुमने, ये इधर एक दो तीन बेडरूम है, इधर एक लिविंग एरिया है, और इधर साइड में किचन है, ये बाथरूम लॉन्ड्री, और ये एक रंपस एरिया है पीछे, उसके बाद में परगोला, और फिर बाकी तो खाली लैंड है। कीमत यार मैंने थोड़ी ज़्यादा एस्टिमेट करी थी लेकिन सही है, 630 to 690 बोल रहे हैं। देखो घर तो काम का नहीं है कि इसको वापस से तुमको रीबिल्ड या रेनोवेट में पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन लैंड साइज अच्छा है, 875 बहुत लैंड होता है। ऐसा कुछ कर लो तुम, तीन यूनिट बना लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो भाई 630 से 670 तक की इसकी कीमत, सॉरी 630 से 690 तक की कीमत लगी हुई है, 875 स्क्वायर मीटर लैंड है भाई। तो ये उस हिसाब से ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट लैंड हो गया है यहाँ पे, स्क्वायर फीट में अपने इंडिया के हिसाब से। इसकी कीमत बता रहे 630 से 690, मतलब हमारा 3 से 3.25 करोड़ के बीच में मिल जाएगा तुमको ये, इसकी ऑक्शन होगी जब तो। ठीक है आ गया भाई, सारी डिटेल बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट की, वो भी घर में देखा तुमने सब कुछ, वो इंक्लूड रहेगा सेल में, अभी जो दिख रहा सब कुछ। तो स्क्वायर मीटर है बता रहा है, रेसिडेंशियल जोन 1 में, अच्छी जोन में। हाँ भाई अगर जैसे आज आप बोली लगा के जीत जाते हो तो आपको 5% डिपॉजिट अभी करना पड़ेगा, 1,00,000 की अगर प्रॉपर्टी जाती मतलब 3 करोड़ की जाती है तो आप उसका 5% अभी करना पड़ेगा, $30,000 में 1,500,000। भाई वो बोल रहा था कि ये खुद भी बोली लगा सकते हैं जो बेचने वाला उसके बिहाफ पे, अगर बहुत सस्ता जा रहा है तो वो भी लगा सकते हैं बोली, तो वो खुद भी बोली लगा सकता है। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल ये भी सब कुछ है आस पास, 500 लगा दी भाई इसने, बोली 570 की लगा दी भाई, बोली सर ने 570 की लगा दी, 590 लगा दी उधर अंकल जी ने, बोली 590 में लग रही है बोली, 600 लगा दी इसने भाई, 6 पे लगा दी, 875 लैंड है, इट्स अ बिग लैंड, पर 6 बहुत होता है यार, 6,00,000 की बोली लग गई मतलब 3 करोड़ की, नहीं तो 6 में चला जाएगा, 5,000 बढ़ाऊँ क्या बोलता, नहीं 10 बढ़ाना पड़ेंगे मिनिमम। बात चल रही है उससे 6-10 कर रहा है क्या, ये बंदे ने 6 लगाए थे, लेट्स सी। बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट मतलब फिर भी इनिशियल प्राइस ही है इनके एक्सपेक्टेशन का, 6-5 अलाउ कर दिया उसको, अब बातें चल रही प्राइवेट 6-5 से ऊपर बढ़ाना, 6-5 कर दिया उस बंदे ने, बोला 6-8 पर बोल रहे सिर्फ 5 ही ले रहे हैं, बात चल रही और प्राइवेट 6-8 बोल रहा है, वो 6-10 बोल रहा है मिनिमम, बोलता 5 बड़ा मिनिमम, 605 पे है तो कितना कन्विंस कर रहा है देख लो, 6-10 ये ले जाएगा लग रहा है अंकल, 6-10 पे बोल रहा है, कोई नहीं बोली लगा रहा तो बोले वेंडर से बोलेगा बात करके, फोन पे बात करके पूछेगा जो बंदा सेल कर रहा है कि एक्चुअली इतने कीमत में बेचना है कि नहीं, उसने 6-10 तक की बोली लगा दी, रिजर्व हो गया मीट 6-10 का बोल रहा है, ठीक है 6-10 से वापस कंटिन्यू कर लिया, मतलब वेंडर खुश है बेचने के लिए, 6-12 लगा दिया हमने, 6-12 लगा दिए भाई, 2,000 बढ़ा दिए, वो बोल रहे 2 नहीं बढ़ाऊंगा, अच्छा 2.5 बढ़ा दिए उसने, 6,12,500 में बिक रहा है, ये बंदे से पूछ रहा है कि उधर जाके पूछेगा। चलो भैया एक और बंदे ने 6-15 का लगा दिया, 6-15 और भाई उनने बढ़ा दिए, 6,17,500 हो गए भाई, ओह माय गॉड बढ़ते जा रहे हैं यार, ये तो सीन, गुड सेल्समैन स्पीच मैन, 6,17,500 में जा रहा है, ओह माय गॉड और कोई लगाएगा क्या बोली, उन्होंने 620 कर दिया, 620 पे जा रहा है, इन्होंने एक्सपेक्ट किया था 630 to 690, इन्होंने एक्सपेक्ट किया था 630 to 690, लेकिन अभी भी जा रहा है 620 पे, नॉट आउट, अभी भी खेलेगा वो, अभी भी वेट करेगा भाई, फुल ऑन मजा आ रहा है यार, खतरनाक बोलियां चल रही है, मैसेज कर रहे हैं पूछ रहे हैं आइडिया ले रहे हैं, 620 हो गया भाई, 621 भी हो गया भाई, 22 ये रहा भाई घर आपके लिए, 875 स्क्वायर मीटर लैंड पे हॉपर्स क्रॉसिंग एरिया में, ट्रेन स्टेशन के पास में, फ्री वे के पास में, 620 में जा रहा, बोलो 622 कर दिया अंकल जी ने भाई, 625 कर दिया अंकल ने, 625 तक चले, 626 हो गया भाई, 1,000 की भी बोली बढ़ा रहे हैं आप तो, पहले बोल रहे थे 10,000, 626.5 भी बढ़ा रहे हैं आप, पहले बोल रहे थे 10,000 का इंक्रीमेंट होगा, अभी 500 का भी कर रहे हैं, 627 तक आ गया, कितना बेचारा कितनी मेहनत लग रही है उसको, भागना दौड़ना पड़ रहा है इधर से उधर, मेरे को लग रहा था गुड डील मिल रही है, पर आते आते 630 आ गया ऑलमोस्ट, 630 हो गया, इधर लगा दिए बिड इन्होंने 630, भाई हो गया भाई, इनका मिनिमम तो रेंज में आ गया,
31 कर दिया उनने, इधर बात चल रही 31 से आगे बढ़ाना है कि नहीं, 6:31 पे जा रहा है, तीन बार बोलेगा नहीं तो बिक जाएगा 6:31 पे, 6:32 कर दिया भाई उसने, 6:32 में ले जा रहे हैं अंकल, सेकंड गोल, लास्ट कॉल है नहीं तो गया अगर, $250 भी बढ़ा देगा भाई, क्यों कहाँ पे आ गए ये 10,000 बढ़ाने वाले से 250 पे आ गया, कंपटीशन चल रहा है भाई दो लोगों के बीच में, 6:32 पे ले रहे हैं अंकल ने, 6:32 पे जा रहा है, और 250 बढ़ा दिया उनने, डराना चाह रहा बोल रहे हैं मैं कीप गोइंग करूंगा, 6,32,750 भाई की ये तो भीड़ खतरनाक ही हो गई, अरे क्या 250 वाला गेम लगा रखा है भाई, 250 बढ़ा रहे, घर ले रहे क्या कर रहे, फिर 250 बढ़ा दिया उनने, 38 पे चला गया भाई, मेरे फोन के वही खत्म होने आया डाटा रिकॉर्डिंग, 6:37 पे जा रहा है, यस दे ट्राई टू गेट इट यू नो दे लाइक वंस दे लाइक इट दे लाइक, 6:40 की हो रही है फाइनल बिड अप, 6:42 की लगा दी भाई फाइनली, 250 बढ़ा दी इसने, वापस आ गया है, ये तो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्साइटिंग बिडिंग हो गई यार, बहुत ही खतरनाक हो रही है, बड़ी जा रही है, बड़ी 45 भी कर दी, अभी भी चले ही जा रही है बिड़ी है, तुमको लग रहा है क्या पता क्या होगा भाई, उसको भूल गया कहाँ पे बिड चल रही है, वो भूल गया, पूछ रहा उससे, 6:46 हो गई भाई, ये इधर बात कर रहा है कुछ और बढ़ा दे, 6:46 में जा रहा है, 3,20,00,000 में जा रहा है अभी तक, 6,50,000 हो रहा है भाई अभी लैंड, ये लैंड के लिए 875 लैंड जो कि हो गया 10,000 स्क्वायर फीट इंडिया का, 3,25,00,000 में बिकने वाला है, देखते हैं और आगे बोली लगती, 650 में लगा दिया इनने, 650,000 में ले रहा है ये बंदा है, फाइनल हो रहा है और पूछ रहा है उससे और लगाएगा क्या बिड, 6,50,000 में जा रहा है, 50 लगा के जीत रहे हैं वो, उसने 650 तक लगाया था, अब $250 के बीच में झगड़ा हो रहा है, $250 के बीच में इस प्रॉपर्टी का झगड़ा हो रहा है, और बाप रे कंपटीशन हो गया, अब तो ईगो पे आ गई लग रहा है, बिडर्स आपस में बात कर रहे हैं, बिडर्स लोग कौन जीतेगा, ले जा मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, 6,52,000 $250 में जा रहा है, मोस्ट एक्साइटिंग जो मैंने मतलब अभी तक की ऑक्शन देखी वो यहाँ मेरे को देखने को मिली, इतनी आगे बढ़ी इतनी पीछे गई, 10,000 की बोलियां बढ़ रही थी, $250 तक की बोलियां बढ़ी उसमें बाद में जाके, लेकिन फाइनली जाके वो बंदा मतलब सेट था, उसको खरीदना ही था, उसने जाके खरीद लिया और $650 में खरीदा, मतलब $250 की बोली बड़ी और तब जाके उसने फाइनली खरीदा, लेकिन फाइनली उसका बिक गया, उसको अंदर जाके 5% डिपॉजिट करना है, बाकी बैंक लोन वगैरह बाद में करता रहेगा, इतनी लंबी चल रही थी, मेरे को लग रहा था क्या होगा यार कंपटीशन में, बट सो होपफुली आपको ये कंटेंट देख के मजा आएगा दोस्तों, यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, इसी तरह के फन चीजें लाता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, तो डोंट फॉरगेट दैट एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके चलो बाय।